इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट आरबीसीज फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स की कैटेगरीज को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, सो फॉर्म्ड एलिमेंट में फर्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट इज आरबीसीज. ठीक है, सो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स. आरबीसीज आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स एंड आरबीसीज आर द ऑक्सीजन कैरियर्स. बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. हमारी बॉडी में जितनी ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है वो कौन से सेल्स हेल्प करते हैं? आरबीसीज उसमें हेल्प करते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन कैरी करने में. अब आरबीसीज के थोड़े से फीचर्स जान लेते हैं. ठीक है, जैसे ये कुछ फीचर्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने ये फीचर बहुत बार पढ़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फीचर इज बाई कनकेव, है ना. दो कनकेविटीज होती है. कनकेविटी मीन्स इस तरह से, जैसे कटोरा होता है ना, कटोरा, बाउल. तो बाउल क्या होता है? कनकेव चीज है. सो उसी तरह से ये देखिए, ये जो आपको नजर आ रही है ये कनकेविटीज है इस तरह से. सो इस तरह का आपको आरबीसी देखने को मिलता है, दैट इज बाई कनकेव. ठीक है, नेक्स्ट इज इसका डायमीटर बहुत ही स्मॉल है. आरबीसीज का साइज बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल साइज. ठीक है, कितना? 7 माइक्रोन का साइज है. ये माइक्रोन ऐसे लिखते हैं. ठीक है, थर्ड फीचर इज इनका, अब देखिए, एज आई हैव टोल्ड यू कि साइज जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, हैंस जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा. ठीक है, स्मॉल साइज, जितना छोटा साइज होता है चीज़ का उतना ही ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होता है. एक तो कारण हो गया सरफेस एरिया ज़्यादा होने का कि स्मॉल साइज है, एंड वन मोर रीज़न कि आरबीसीज में ना कनकेविटीज बहुत होती हैं. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लेन सेल है, कुछ कनकेविटी, छोटी 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 कनकेविटीज बनी है. ठीक है, और आप बोल सकते हो कि या फिर ये जो दो कनकेविटीज हैं इसकी वजह से सरफेस एरिया क्या ज़्यादा, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा ना. जो चीज़ एक सीधी जगह पे कम आएगी वो डेप्थ में जाके क्या ज़्यादा एंटर करेगी चीज़. ठीक है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा है. नेक्स्ट इज इट ट्रेवल्स इवन थ्रू वेरी फाइन कैपिलरीज. अब ये दो फीचर्स जो हैं इसके, ये हैं वेरी स्मॉल साइज होने की वजह से ही ये दो फीचर्स इसके होते हैं. ठीक है, सो देखिए ऑब्वियसली बात है, जितना छोटा साइज होगा, कैपिलरीज बहुत छोटी होती हैं, आर्टरीज और वेन्स से भी छोटी हैं कैपिलरीज. एक नेटवर्क है, हमने पढ़ा था कि आर्टरीज और वेन्स का ही नेटवर्क है कैपिलरीज, और इनका साइज स्मॉल होता है, बहुत शॉर्ट, वेरी फाइन कैपिलरीज. अब कहते हैं बहुत ही छोटी जो कैपिलरीज होंगी ना, बहुत ही पतली कैपिलरीज, उनके थ्रू भी आरबीसीज पास कर सकते हैं, इनका इतना छोटा साइज है. नेक्स्ट फीचर इज देखिए इनका नंबर कितना होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है. ये नंबर ही हमें बता देता है कि बंदा एनेमिक है या नहीं है. ठीक है, वो बात की बात है. बट इन मेल्स में अलग नंबर है, फीमेल्स में अलग. क्यों? बिकॉज फीमेल्स अंडरगो करती हैं, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उनको लॉसेस हो जाता है, ब्लड लॉस. ठीक है, वो हम पढ़ेंगे व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड व्हाट इज एवरीथिंग. ओके, सो मेल्स में हमें क्या होता है, मेल्स में कितने आरबीसीज हैं? 5 मिलियन पर क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी में 5 मिलियन है, बट 5 मिलियन आरबीसीज हैं पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड. ठीक है, पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में. ठीक है, फीमेल्स में कितने? 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड. इसमें कम होते हैं फीमेल्स में बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल लॉसेस. ठीक है, नेक्स्ट इज हम देखेंगे हीमोग्लोबिन. अब देखिए हीमोग्लोबिन क्या चीज है. हीमोग्लोबिन इज द रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसीज, एंड दिस रेड कलर पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द रेड कलर टू आरबीसीज. ओके, ये खुद लाल रंग का एक पिगमेंट होता है, और इसी की वजह से, इस पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से ही आरबीसीज रेड कलर के अपेयर होते हैं. अगर ये पिगमेंट नहीं होगा तो हमारा जो ब्लड है वो रेडिश कलर का नहीं दिखेगा. ठीक है, सो इट इज अ इफेक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन स्ट्रोमा ऑफ आरबीसीज. आरबीसीज का जो पार्ट है स्पॉन्जी होते हैं ना, आरबीसीज थोड़े से स्पॉन्जी, स्पॉन्ज लाइक है, तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमा, बिकॉज स्पॉन्ज लाइक है ये. तो उस स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट होते हैं आपके पास? हीमोग्लोबिन के पिगमेंट्स. ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन बेसिकली बना कैसे है? इसमें हीम, आयरन होता है, और प्रोटीन, दो चीजों से मिलकर बना है, एक आयरन से और एक प्रोटीन से. इसके नाम से ही प्रेजेंट पता लग रहा है. हीम जो है ना, हीम, दिस इज द आयरन पिगमेंट. आप इसको हिमिन भी बोल सकते हैं, हिमिन. ठीक है, या फिर सिंपल हीम. हीमोग्लोबिन मीन्स हीम प्लस ग्लोबिन. हीम इज अ आयरन पिगमेंट एंड प्रोटीन कौन सी आएगी? तो ग्लोबिन. ग्लोबिन इज अ प्रोटीन. तो दो चीजों से बना है, हीम प्लस ग्लोबिन, दैट इज आयरन प्लस प्रोटीन. ओके,
इट कैरी, देखिए यूजुअली तो ये दो चीजों को नॉर्मली कैरी करता है, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमने क्या लिखा है यहां पर, ऑक्सीजन कैरियर्स हैं आरबीसीज, ठीक है। मींस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बहुत कम मात्रा में ये कैरी करता है, ज्यादा किसे कैरी करता है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को कौन सी फॉर्म में कैरी करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सी फॉर्म में कैरी करेगा, कार्बे एमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, इस फॉर्म में ये कैरी करेगा, ठीक है। सो अब आपने एक चीज याद रखनी है, जैसे ये है ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बे एमिनो हीमोग्लोबिन, वैसे ही एक और गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड है ना, मीन्स CO, ठीक है, ये उसको भी कैरी कर लेता है, बट यूजुअली नहीं करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एटमोसफेयर में कम है ना, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है, उसे नहीं कैरी करता है। लेकिन जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं, सपोज कीजिए आपने अंगीठी जलाई, ठंड का टाइम है एंड अंगीठी आपने जलाई और कमरा बंद कर दिया, ठीक है, तो सुबह तक जो है ना वो व्यक्ति की हालत खराब हो जाएगी जो उस बंद कमरे में होगा। वाई सो, बिकॉज वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो अंगीठी का धुआं है उससे क्या प्रोड्यूस होगी, स्मोक से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अब वही कार्बन मोनोऑक्साइड उस बंद कमरे में हमारा हीमोग्लोबिन कैरी करेगा, अगर उसको कैरी करेगा किस फॉर्म में कैरी करेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, कौन सी फॉर्म में, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कार्बन मोनोऑक्साइड कैरी होगी। एंड ये टॉक्सिक कंपाउंड है एक, ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड से बनेगा, जब बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, रात भर अगर व्यक्ति अपने आप को ऐसे कमरे में बंद कर ले अंगीठी जलाए हुए, सो ही विल डाई इन द मॉर्निंग, बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि वो सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी की वजह से उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। सो क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, हेंस, ठीक है। सो ये कुछ फीचर्स हैं हीमोग्लोबिन के, हैं ओके, एंड सम बेसिक अबाउट आरबीसीज, ओके, लाइफ एंड डेथ ऑफ आरबीसीज, ठीक है, कैसे इनका प्रोडक्शन होता है और कैसे इनका डेथ होता है। एज वी हैव डिस्कस कि सेल्स जो है वो लगातार प्रोड्यूस होते रहते हैं और इनका डेथ होता रहता है, सेल्स डीजेनरेट एंड मल्टीप्लाई कंटिन्यूसली, ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। जो भी पुराने सेल्स होंगे वो डीजेनरेट करेंगे, नए सेल्स बनते जाएंगे, ठीक है, दिस इज अ प्रोसेस। सो अल्टीमेटली क्वेश्चन अराइज करता है कि आरबीसीज प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्शन साइट जो है वो अकॉर्डिंग टू एज डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन साइट्स हैं। सो जैसे कि थ्री क्लासिफिकेशंस कर दी जाएं, एडल्ट्स, चाइल्ड, एम्ब्रियो, थ्री क्लासिफिकेशंस, ठीक है। एडल्ट्स में अगर हम बात करें तो एडल्ट्स का जो प्रोडक्शन साइट है वो क्या है, दैट इज बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो इसका प्रोडक्शन साइट है। अब बोन मैरो भी कहाँ का, देखिए बोन मैरो भी कौन सा, बोन मैरो हम पढ़ेंगे व्हाट इज बोन मैरो, कैसा होता है, ठीक है, बोन में कैसे होता है, ओके। सो देखिए बोन मैरो एडल्ट्स में कौन कौन सी हड्डियों का, देखिए सभी बोन्स में बोन मैरो होता है, लेकिन आरबीसीज जो हैं वो स्पेशल कुछ बोन्स हैं वहीं बनते हैं, ऐसा नहीं कि सारी बोन्स में आरबीसीज, सारी बोन्स के बोन मैरो में आरबीसीज बनते, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। सो कौन सी ऐसी बोन्स हैं जिन बोन्स के बोन मैरो में आरबीसीज बनते हैं, सो दैट इज रिब्स, ब्रेस्ट बोन एंड हिप बोन। हिप बोन में भी इलियम एक बोन होती है, हिप बोन के यूजुअली थ्री पार्ट्स हैं, ठीक है। सो हिप बोन में भी क्या होता है, इलियम एक बोन है, ठीक है। नेक्स्ट इज चाइल्ड की अगर बात करें तो चिल्ड्रन जिनकी उम्र 5 साल से नीचे है, उनमें सभी बोन्स में क्या होता है, सभी बोन्स के बोन मैरो में आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जैसे ही उनकी उम्र बच्चों की 5 साल से ज्यादा हो जाएगी तो आरबीसीज का प्रोडक्शन कहाँ होगा, इन्हीं साइट्स पर, रिब्स, ब्रेस्ट एंड हिप्स पर, ओके, हिप्स बोन। नेक्स्ट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की अगर बात करें, एम्ब्रियो कहाँ होता है, मदर के वोम्ब, यूट्रस में, ठीक है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो आरबीसीज कहाँ बनते हैं, तब बनेंगे लीवर में और स्प्लीन में, ठीक है। सो ये था प्रोडक्शन साइट। नेक्स्ट इज न्यूक्लियाई की बात करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है हर एक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सो अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है यूजुअली, इफ समबडी आस्क्स यू कि आरबीसीज में क्या न्यूक्लियस है, सो नो, द आंसर इज नो, दे आर डी न्यूक्लिएटेड, मीन्स दे लैक्स न्यूक्लियस, ओके, दे लैक न्यूक्लियस। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लेकिन जो आपने याद रखनी है, दैट इज व्हेन दे आर प्रोड्यूस, जैसे वो बने एकदम से तब उनमें न्यूक्लियाई होता है, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाते हैं तो आरबीसीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हैंस मैच्योर आरबीसीज आर डी न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, ओके।
नेक्स्ट पॉइंट इज लाइफ स्पैन, कितना जीवन काल है इनका. सो 120 दिन की उम्र होती है इनकी, ठीक है. 120 दिन के बाद इनकी डेथ हो जाएगी. नए आरबीसीज तो साथ साथ में बनते रहते हैं साइमल्टेनियसली. ओके, सो नाउ ग्रेवयार्ड. ग्रेवयार्ड, अब जैसे मैंने कहा कि डेथ हो रही है आरबीसीज की, तो आखिर वो सब जा कहाँ रहे हैं. बहुत सारे आरबीसीज की डेथ होती है. अभी नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस भी करेंगे कितने सारे आरबीसीज जो हैं वो एक साथ डाई करते हैं, तो आखिर वो सब जाते कहाँ हैं. एक साइट होगा ग्रेवयार्ड में, जैसे कब्र में जाता है ना व्यक्ति मरने के बाद, वैसे इनका ग्रेवयार्ड क्या है. सो ये जाते हैं कुछ स्पेशल ऑर्गन्स में, डेट इज स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो. ठीक है, यूजुअली स्प्लीन में सबसे ज्यादा जाते हैं. स्प्लीन इज द मोस्ट कॉमन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, ठीक है, एंड लीवर में. और जैसे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर ऐसा नहीं कि यहीं पड़े रहेंगे, देन इनका रिमूवल हो जाता है. ठीक है, रिमूवल हो जाएगा. नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन रेट. डिस्ट्रक्शन रेट मीन्स, अब जैसे आई हैव टोल्ड यू कि डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डीजनरेट करते रहते हैं और नए सेल्स बन रहे हैं, तो किस कितने रेट पर इनका डिस्ट्रक्शन होता है. सो 2 करोड़ आरबीसीज जो हैं वो 1 मिनट में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, 1 मिनट में 2 करोड़ आरबीसीज डिस्ट्रॉय होते हैं. ठीक है, तो डैट मीन्स 1 दिन में 1% आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, इन 1 डे 1% आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड. ओके, ऐसे सुनने में बहुत छोटी वैल्यू, बट इट इज अ वेरी लार्ज वैल्यू. 1% आरबीसीज पर डे डिस्ट्रॉय होते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम बेसिक फीचर्स ऑफ मैमिलियन आरबीसीज. ठीक है, मैमल्स की कैटेगरी में हम लोग भी शामिल हैं एंड फ्यू एनिमल्स. ठीक है, सो देखिए, जो मैमिलियन आरबीसीज मीन्स मैमल्स के जो आरबीसीज होते हैं, ठीक है, सिंपल याद रखिए, मैमल्स मीन्स हम लोग एंड कुछ एनिमल्स. ठीक है, सो उनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं मैमिलियन आरबीसीज के, वो क्या है. जैसे देखिए, मैमल्स के आरबीसीज में ना न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मीन्स क्वेश्चन आ सकता है बहुत अच्छा कि मैमिलियन के जो आरबीसीज होते हैं, मीन्स आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल, एक सेल है, और सेल में क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनलीज होती हैं. ठीक है ना, ऑर्गेनलीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट. तो अब क्या होता है कि वो हर एक सेल में होती है यूजुअली, लेकिन कुछ सेल्स में कुछ ऑर्गेनलीज लैक करती हैं, एबसेंट होती हैं. जैसे कि आरबीसीज में 3 ऑर्गेनलीज एबसेंट होती हैं, और वो कौन कौन सी हैं 3 ऑर्गेनलीज जो एबसेंट होती हैं, दैट इज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इसके भी कुछ फायदे हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है तो नुकसान है. देर आर सम बेनिफिट्स इफ दे आर एबसेंट. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दोज बेनिफिट्स. अगर देखिए न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस नहीं है, एबसेंट है न्यूक्लियस, तो उसकी वजह से शेप कैसी है आरबीसी की, बाइकनकेव. बाइकनकेव हमने पढ़ा था इस तरह से, ठीक है ना. मीन्स न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस एक की है, की टू लाइफ बोलते हैं न्यूक्लियस को. ठीक है, अब जैसे न्यूक्लियस नहीं है, मीन्स बीच में न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट हो सेंट्रली, तो ये बाहर को जाएगा जो सेल है ना. सेल का शेप थोड़ा कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर जैसा आएगा. ठीक है, एलोंगेटेड सेल इस तरह का होना चाहिए अगर न्यूक्लियस हो तो, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है इसीलिए बाइकनकेव शेप है. ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियस नहीं है, शेप बाइकनकेव हो गया, तो आई टोल्ड यू कि अगर बाइकनकेव शेप है तो दैट मीन्स सरफेस एरिया क्या है, बहुत ज्यादा हो जाएगा. डेप्थ चली गई ना, तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसका क्या फायदा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड करेगी. ठीक है, अगर सीधी चीज है, सपोज कीजिए सीधी चीज है, तो यहां पे कम चीज, कम ऑक्सीजन आके बाइंड करेगी, लेकिन डेप्थ तक बाइंडिंग आरबीसीज में होती है, इसलिए न्यूक्लियस ना होने का फायदा है. नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लैकिंग माइटोकॉन्ड्रिया. सो इसमें क्या होता है कि जैसे आरबीसीज क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेके आते हैं, और आरबीसीज में जब मेटाबॉलिज्म होता है तो वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं. 2 इंपॉर्टेंट काम, ऑक्सीजन तो लेके आ रहे हैं एटमॉस्फेयर से, और एक है कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं. लेकिन एक बहुत अच्छी बात कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो ये आरबीसीज लेके आ रहे हैं एंड फॉर्म कर रहे हैं, इनको ये कभी खुद यूज नहीं करते हैं, ये हमेशा इसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं टू अदर ऑर्गन्स. जैसे ऑक्सीजन कहाँ जाती है, लंग्स, एंड देन लंग से अदर पार्ट्स में जाती है. ठीक है, वैसे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में, आरबीसीज यूज नहीं करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना होने से क्या फायदा है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है सेल की. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या, एक ऑर्गेनली है जो बहुत ही हाईली कॉइल्ड इस तरह से प्रेजेंट होता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, न्यूक्लियस के साथ लगा होता है. अब जब न्यूक्लियस ये नहीं है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑटोमेटिकली नहीं होगा. ठीक है, सो इसकी वजह से क्या होगा कि फ्लेक्सिबल होगा सेल अपने आप को, ये जो आरबीसी ये अपने आप को फ्लेक्सिबल और ज्यादा श्रिंक कर सकता है.
ठीक है ना, अगर ये प्रेजेंट होगा अंदर तो क्या होगा, श्रिंक करने में मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, दैट मीन्स आई हैव टोल्ड यू कि माइन्यूट बहुत वेरी फाइन कैपिलरी से भी आसानी से पास कर जाते हैं। नेक्स्ट इज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आरबीसीज के, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ये, ठीक है। जैसे न्यू बोर्न, याद रखनी बहुत अच्छी बातें हैं ये, जैसे न्यू बोर्न जो होता है ना, न्यू बोर्न में आरबीसीज का अमाउंट ज्यादा होता है। नॉर्मली ह्यूमन्स में कितना अमाउंट है, मैन में 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, एंड फीमेल में कितना होता है, 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, ठीक है। लेकिन चिल्ड्रन जो न्यू बोर्न इन्फेंट्स होते हैं उनमें ये अमाउंट ज्यादा होता है, 6 to 7 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है, रिमेंबर दिस फैक्ट। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आरबीसीज डिक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्लीप, स्लीप के जब हम सो जाते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि क्या हो रहा है उस टाइम हमें इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जितनी आ रही है, ठीक है, डिक्रीज ऑक्सीजन बाइंडिंग, इसलिए क्या हो रहा है, आरबीसीज का काउंट डिक्रीज कर जाता है ड्यूरिंग स्लीप। और बढ़ता कब है आरबीसी का काउंट, जैसे हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उस टाइम बॉडी को ऑक्सीजन की नीड ज्यादा हो जाती है, तो उस ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए कॉप अप कौन करेगा, आरबीसीज, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान इनका आरबीसी बढ़ जाते हैं, क्यों, बेबी को भी तो चाहिए, ठीक है, सो वो मदर से ही जाएंगे। नेक्स्ट इज एट हाइट, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो लोग हाइट पे रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, उनमें ऑटोमेटिकली आरबीसी ज्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है हाइट में रहने वाले लोगों को, है ना, सुना ना माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ही कई लोग मर जाते हैं चढ़ते चढ़ते, दैट मीन्स हाइट पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसलिए लोगों ने खुद को ऐसा अडेप्ट किया है कि उनमें 30% ज्यादा आरबीसीज होते हैं एज कम्पेयर टू जो मैदानी इलाकों में लोग रहते हैं। नेक्स्ट इज अगर मान लीजिए आरबीसीज एबनॉर्मली बहुत ज्यादा बढ़ गए, जितनी जरूरत नहीं है लिमिट से ज्यादा बढ़ गए, एबनॉर्मल इंक्रीज, दैट इज दैट टर्म इज नोन एज पोलीसाइथीमिया, पोली मीन्स मैनी, बहुत ज्यादा बढ़ गए, पोलीसाइथीमिया हो गया। एंड अगर बहुत कम हो गए, एक एबडोमल डिक्रीज आ जाए, देन दैट टर्म इज एरिथ्रोपीनिया, एरिथ्रो मीन्स आरबीसी को बोलते हैं, पीनिया मीन्स डिक्रीज, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आरबीसीज।